Awzubillahi Rajeem, shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I'm Mr. Sayyidullah Khan. Dear students, today we will continue the use of punctuations. Okay. Previously we have completed the use of full stop and full stop and capital letters. Okay. Now, today inshallah we will learn the use of comma. Okay. टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लर्न टू और वन और टू यूजेस ऑफ पंग कॉमा ओके फर्स्ट आई वन आस्क यू व्हाट इज़ कॉमा सबसे पहली बात ये बताइए कि कॉमा होता क्या है अभी आपकी स्क्रीन पे ये पूरे रूल्स आ रहे हैं इनको अपने पास कॉपी कर लीजिएगा चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए ठीक है लेकिन एक्चुअली कॉमा है क्या चीज़ पहले मैं अपने एक लेक्चर में जब मैंने डायरेक्ट इन डायरेक्ट सिखाया था उस सीरीज़ में मैंने कॉमे को एज ए कंजंक्शन भी डिफ़ाइन किया था कॉमा एज ए कंजंक्शन भी होता है जब हम दो क्लॉज के दरमियान इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें एक्चुअली कॉमा जो है ना अरेबिक ज़बान के लफ्ज़ उम से निकला है और कम के मायने होते हैं उठना खड़े हो जाना स्टे करना ये कॉमे के इसलिए इसमें थोड़ी देर के लिए स्टे किया जाता है स्टॉप का मतलब हमेशा के लिए रोक दिया जाए उसे स्टॉप कहते हैं जिसको रोक दिया जाए रुकता नहीं है बल्कि इसमें कोई बात कोई सीरीज जो है वो थोड़ी देर के यानी कि मीन्स किसी और बात से डिस कनेक्ट कर उस किसी और चीज़ को कनेक्ट करने के लिए उसे उसको यूज़ करते हैं अब देखिएगा इसमें सीरीज क्या इसमें कॉमे का रूल नंबर वन है द कॉमा इन अ सीरीज़ पहला टाइटल ये कॉमा इन अ सीरीज़ एक सीरीज में कॉमा कैसे इस्तेमाल किया जाता है लुक एट यूज़ कॉमास टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज़ किसी आइटम को सीरीज से सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वॉट इज अज पहले सुले सीरीज है क्या अ सीरीज इज अस्ट ऑफ थ्री और मोर आइटम्स द लास्ट टू ऑफ वेच आर ज्वाइन बाय मैं कहता हूँ फैन वॉयस भी हो सकते हैं एंड और नोर इनसे भी ज्वाइन हो सकते हैं understood? अब देखिए जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल से पहले दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इससे पहले जो भी दो नाउन वर्ब एडजेक्टिव लगेंगे इनके फौरन बाद जो लास्ट वाला होगा उससे पहले एंड और या नोर से हम इसको ज्वाइन करेंगे उससे पहले कॉमन लगेगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखिए सीरीज ऑफ सिंगल वर्ड्स पहले सिंगल वर्ड्स की सीरीज देख लीजिए जैसे कप्स जार्स एंड फ्लेट्स नंबर टू सो स्क्रीम एंड क्राइट पहली सीरीज है वो नाउन किए दूसरे सेंटेंस में जो सीरीज है यह वर्ब किए तीसरे में रनिंग जम्पिंग ड्राइविंग और स्विमिंग फोर आइटम्स हो गए अब लास्ट में देखिए और एंड और एंड इससे ज्वाइन किया गया है फिर सीरीज ऑफ फ्रेज और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड अब सीरीज अगर आ जाती है हमारे पास फ्रेज की क्लॉज की जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाते हैं इनमें भी कॉमा इस्तेमाल किया जाता है सपोज कप्स ऑफ कप्स ऑफ शुगर शुगर के कप जार्स ऑफ हनी एंड प्लेट्स ऑफ एंड प्लेट्स ऑफ इस अब देखिए कप्स ऑफ कप्स ऑफ जार्स कॉमा कप्स ऑफ शुगर कॉमा जार्स ऑफ हनी कॉमा एंड प्लेट्स ऑफ सो दगिंगउडली एंड क्राइड अबाउट इट एंड क्राइड अबाउट इट अब लास्ट में ज्वाइन किया रनिंग अराउंड द ट्रैक जम्पिंग ओवर हडल ड्राइविंग ऑफ द बोर्ड और स्विमिंग अक्रॉस दूल अब देखें ओवर से ज्वाइन किया whom you see where you go whom you see comma where you go comma or what you do ab ye clauses the niche theek hai whom you see clause hai comma aa gaya where you go comma aayega ye bhi clause hai or what you do इनके साथ अब देखिए अब आप क्लॉज लगा रहे हैं तो ये भी जो है क्या कहते हैं आपके comma में इस्तेमाल हो रहा Getting? Okay, now next. Any of these can be put. Into form. इन टू सेंटेंस फॉर्म इनमें से कोई भी सेंटेंस फॉर्म में पुट किया जा सकता है से देखिएगा प्लीज पुट द कप्स कॉमा जार्स कॉमा एंड प्लेट्स इन टू कैबिनेट देखिए कप्स के comma, के बाद बाद कॉमा कॉमा जार्स लास्ट में प्लेट ये सारे नाउन हैं इनको ज्वाइन किया है एंड ने उससे पहले भी कॉमा कहते हैं द यंग गर्ल्स सॉ दगिंग कॉमा स्क्रीम लाउडली कॉमा एंड क्राइड अबाउट ए फोर डेज आफ्टर वर्ल्ड लास्ट में फुल स्टॉप देखिये मगिंग कॉमा स्क्रीम लाउडली कॉमा एंड क्राइड अबाउट दब देखिये एंड से पहले फिर कॉमा आई रियली डोंट केयर होम यू सी आई रियली डोंट केयर होम यू सी क्लॉज है पूरा इससे पहले इसके बाद कॉमा पे दूसरा क्लॉज शुरू हो रहा है वेयर यू गो कॉमा और वट यू डू Comma understood next. The important things to remember about using commas in series are these series may choose important. They also note to the screenshot. Number one a series includes three or more items of the same type, word or words or groups of words. द सीरीज इज कनेक्टेड बाय सीरीज क्या होती है कनेक्टेड बाय एंड और और नॉर बिफोर द लास्ट आइटम अमा सेपरेट्स आइटम इन द सीरीज इंक्लूडिंग द फाइनल आइटम प्रोसीडेड बाय एंड और नॉर नाउ डू द एक्सरसाइज अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं लुक एट द एक्सरसाइज नाउ पुट द करेक्ट यूज ऑफ कॉमा हेयर अब देखिए द इंग्लिश प्रोफेसर एडजस्टेड हर ग्लास इज शफल्ड हर नोट एंड बिगेन हर लेक्चर अब देखिए इसमें कहामा आएगा लुक एट द आंसर केयरफुली अब आंसर को और से देखिए यह देखिए आंसर द करेक्ट आंसर इज द इंग्लिश प्रोफेसर एडजस्टेड हर ग्लास कोमा एडजस्टेड हर ग्लासेज कॉमा शफल्ड हर नोट कॉमा हर लेक्चर और जो लास्ट वाला उससे पहले हमने एंड लगाए सारे थे जिनको हमने ज्वाइन किया ग्लास अक्रॉस द साइड वॉक एंड ऑन टू द क्राफ्ट अब इसमें देखिए करेक्शन क्या होगी लुक एट दिस वन शी स्टेप अराउंड द ग्रास कॉमा Across the sidewalk comma and on to the crop understood now next Next neither rain sleet nor hail shall keep away the u.s. mail Where we put the comma look at the answer carefully neither rain sleet They get neither rain sleet nor hail रेन स्लीट और हेल ये तीनों अलग अलग वर्ड है तो उससे पहले नोर हेल शेल कीप अवे अवेद यूएस मेल ओके अंडरस्टोड नेक्स्ट नेक्स्ट द ग्लास ऑफ मिल्क अ कप ऑफ टी और अ मग ऑफ कॉफी विल बी फाइन ये सारे फ्रेजेस ग्लास ऑफ मिल्क एक फ्रेज है कप ऑफ टी दूसरा फ्रेज है अ मग ऑफ कॉफी तीसरा फ्रेज है इनको ज्वाइन कर रहा है और और इनसे पहले आएगा कॉमा लुक एट द करेक्ट आंसर अ ग्लास ऑफ मिल्क कॉमा अ कप ऑफ टी कॉमा और अ मग ऑफ कॉफी विल बी फाइन अंडरस्टूड लुक एट अदर

इस एंड से जो इनका एंड से पहले आई थिंक सो यू सीखा इसका वो था सीरीज मीन कॉमा यूज इन सीरीज अब कॉमा सीरीज में चीजों को कैसे सेपरेट करता है ये हमने आज सीखा उम्मीद करता हूं ये लेक्चर इंशाल्लाह आपको समझ आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए इसका जाकर और मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये लेक्चर इन नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि फीमान शाद रहिए आबाद रहिए